एक रास्ता हो सकता है और ट्रांसपेरेंसी के साथ हर बात होनी चाहिए, फिर उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई खेल नहीं होने चाहिए। तो मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों, और आप तो इस फील्ड के लोग हैं, आप तो जानते हैं जिस कंपनी के आगे गुजरात लिखा होता है शेयर मार्केट में बड़ा ऊंचा नाम होता है। एक सवाल है, आज राज्य केंद्र की कमजोरी बनते जा रही है। सरदार पटेल ने भारत को एकीकृत किया, लेकिन आज राज्यों में राष्ट्रीय सोच की कमी है। क्षेत्रीय पार्टियों में दबाव में न आए, राज्य बना दिए जा रहे हैं, आप राज्यों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का संचार कैसे करेंगे? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। हमारे राज्य हमारे देश की शक्ति है भाई, ये सोच ही गलत है कि हमारे सचमुच में दिल्ली ने गलत सोचा है। अब तक उन्होंने ये माना कि ये राज्य कुछ आया है और दिल्ली की सरकार कुछ और है। दिल्ली की सरकार राज्यों के बदौलत है भाई। अगर हम राज्यों के जो एस्पिरेशंस हैं, उनके जो सामर्थ्य है, उसको अगर हम रिकग्नाइज करें, और हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उस संघीय ढांचे में हम जितना राज्यों को तवज्जो देंगे, ताकत देंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की स्थिति देखते ही देखते बदलना शुरू हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, कोई राज्य आगे बढ़े थे, इनको लगता है मेरा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% होता है और शिवराज जी का 18 हो गया, मारो शिवराज को। ऐसा नहीं चलता भाई, वो 18% ग्रोथ करता है तो आशा तो हिंदुस्तान की झोली में है। ये मूलभूत सोच बदलने की आवश्यकता है। और मेरा स्पष्ट मत है, प्रधानमंत्री और दिल्ली में उनकी कैबिनेट, इसको हम संपूर्ण टीम न माने। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये रियल में देश चलाने की टीम है। और इसलिए संघीय ढांचों को ढांचे के संबंध में लेटर एंड स्प्रिट के साथ उसकी इज्जत होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए और उसका महत्व बढ़ते रहना चाहिए। ये ताकत बन जाएगी, ये बिल्कुल ही। और मैं तो इसके आगे भी एक सोच का व्यक्ति हूं, हमें धीरे धीरे जैसे राज्य ताकतवर बने, राज्य आर्थिक रूप से गतिविधि करने वाले बने, ऐसा भी समय आने चाहिए कि हमारे बड़े बड़े महानगर जो हैं वो भी एक प्रकार से इतने पनपे कि देश की इकोनॉमी के वो ड्राइविंग फोर्स बन जाए। अब आप मुझे बताइए, मुंबई की इकोनॉमी को मूव कौन करता है? क्या दिल्ली से होता है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है? क्या नहीं होता है? मेरे यहां सूरत, क्या सूरत में गांधीनगर से चलाता हूं? क्या सूरत के अंदर अपना बल होता है, वो खड़ा हो रहा है, चल रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान में 500 शहर भी ऐसे बन जाए जो ऐसे वाइब्रेंट इकोनॉमी वाले हो, अब देखिए साहब देश कैसे चल पड़ता है जी। इतनी चीजों में हमारी शक्ति समझे, हम इसे संकट न समझे। और इसलिए जिस सज्जन ने बुरा नाम आने, लेकिन ये तो विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये विचार देश का भला नहीं करेगा। केंद्र और राज्य करों के मामले में आपने अधिकारियों को खोना नहीं चाहते, अधिकारों को शायद लेकर, जिस वजह से जीएसटी लागू नहीं हो पा रही है, स्वीकृत लक्ष्य लागू करने के लिए आपके पास क्या? आपके फील्ड का एक सवाल आया। बाकी एक नागरिक के नाते आपके कंसर्न सही थे, लेकिन ये आपके फील्ड का है इसलिए मैं कह रहा हूं। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, हम लोग जीएसटी के पक्ष में है। किसी को ये दुविधा में रहने की जरूरत नहीं। एक बार मेरी वित्त मंत्री जी से बात हो रही थी, तो जीएसटी के संबंध में चर्चा चल रही थी। मैंने कहा था जीएसटी की सफलता का मूल आधार क्या है, तो थोड़ी देर मेरे सामने देखते रहे। मैंने कहा साहब, जब तक
इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं होता है, ऑनलाइन ऑपरेशंस नहीं होते हैं, तब तक जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी पहली आवश्यकता है। आपने इसको किया है क्या? उन्होंने अपने पीएस को बुलाया, अरे भाई ये मोदी जी कह रहे हैं क्या हुआ है? तो उसने कहा सर उनकी बात सही है, अभी फाइल आई है, अभी हफ्ते में हो जाएगा। मैंने कहा फिर आइए आप। एक बार जो प्राथमिक काम था वो नहीं हुई है हमारे देश में। जीएसटी का बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया है, और इसलिए जो ये आज बार भी पार्लियामेंट में जिस प्रकार से उल्लेख किया गया, किसी के विरोध के चलते जीएसटी नहीं हटता है। जो प्रिपरेशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो अभी तक पूरी हुई नहीं है, और उसी के कारण उस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट की भी आर्थिक सहायता के विषय है, भारत सरकार का स्थान रहता है उसको एड्रेस करना चाहिए, उनके क्या कंसर्न है उसको सिंपथेटिकली देखना चाहिए, क्योंकि हमने सेंट्रल और स्टेट के मिलकर के देश को चलाना है। तो ये बातों की चर्चा लगातार होती रही, हर एक राज्यों की तरफ से, कोई एक राज्य की तरफ से नहीं, हर एक राज्यों की तरफ से हुई है। और लेकिन कभी कभी लगता है कि बहुत सारे अच्छे काम हैं वो कुछ लोगों के हाथों से होना ही नहीं है। भाइयों, आपने जितने सवाल मुझे दिए सारे सवालों के जवाब मैंने दिए। जो बोला वो भी मन की ही बात थी। एक विषय प्लीज बैठ बैठ, एक बात जो मैं बता करके मुझे कुछ एक अलग और कार्यक्रम में भी पहुंचना है। देखिए, हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको उनकी सेंसिटिविटी बनी रहे, उनका जो इंडिपेंडेंट होगी, उनकी उनका कामकाज है उसका गौरव बना रहे, ये समय की मांग है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों दिल्ली में केंद्र सरकार ने हमारे इन इंस्टीट्यूशंस का इतना इरोजन किया है, इतना उसका नुकसान किया है, जिसके कारण भारत को अकल्प नुकसान हुआ है। एकाध बार